हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सप्लेनेशन के बाद अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेम्बर्स इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुपर स्टेट नहीं होती कि इसके मेंबर्स के ऊपर इसकी अथॉरिटी रहे रहेगा का मतलब क्या है कि चाहे यू है लेकिन यू जो है किसी भी एक कंट्री को दूसरी कंट्री पर अटैक करने से नहीं रोक सकती आपने ऑलरेडी देखा ही है तो द गिवन स्टेटमेंट इज टू टू द एक्सटेंड दैट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाई एंड रिस्पॉन्स टू द स्टेट्स देखिए हर एक कंट्री ने बोला कि नहीं नहीं होना चाहिए और हम इसके मेंबर बनेंगे तो वंस क्रिएटेड इट कैन हेल्प में स्टेट रिजोल्व देयर प्रॉब्लम पीसफुली बस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप शांति से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं उसमें यह हेल्प कर सकती है तो एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट आंसर टू एवरीथिंग बट दे हेल्प मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस लेकिन ये जरूर है कि जब वॉर या पीस की बात आती है तो ऐसे मैटर्स में वो जरूर हेल्प करेंगी और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हेल्प्स कंट्रीज कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर अस और ये इस तरीके से कोऑपरेट करती हैं कि ये बेटर लिविंग कंडीशंस हमारे लिए बनाने की कोशिश करती हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल एप्ट है आप चलते हैं क्वेश्चन टू के लिए सो वेन वॉज द यूनाइटेड नेशन फॉर्मड एंड वेयर इज़ इट्स हेड क्वार्टर तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्म किया गया था यानी इसकी स्थापना कवर की थी तो हम कहेंगे इट वॉज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस इस्टेबलिश इन 1945 फोटी फाइव इमिजिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप हुई थी थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर जिसमें 51 वन स्टेट थी ट्वेंटी अक्टूबर 1945 को और जो हेड क्वार्टर है इसका वो कहाँ है न्यूयॉर्क में है तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है अब चलते हैं क्वेश्चन थ्री के लिए लिस्ट आउट द एजेंसी विच डील दोशल एंड इकनॉमिक इशूज़ अब यूनाइट नेशनस की कुछ एजेंसीज की बात कर रहे हैं जो सोशल और इकनॉमिक इशूज से डील करती हैं तो वो कौन कौन सी एजेंसीज है द यूनाइट नेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज विच डील विद द सोशल एंड इकनॉमिक इशूज लाइक जैसे इसमें हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ द यूनाइट नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन डी पी द यूनाइट नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यू एन एच आर सी और द यूनाइट नेशनस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ द United Nations एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को तो ये कुछ एक ऐसी एजेंसीज हैं ये आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है ये डील करती हैं सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ को तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन दैट कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल तो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बोल आपको पता है कि इसमें फ़िफ्टीन मेम्बर है जिसमें से फाइव परमानेंट हैं और टेन नॉन परमानेंट मेबर हैं और दो परमानेंट मम्बर कौन कौन से हैं ये हैं यू फ्रांस ब्रिटेन चाइना एंड रशिया जो चार्टर है उनको एक परमानेंट मेंबर को एक प्रिविलेज पोजीशन मिली हुई है और वो है स्टेबिलिटी लाने के लिए वर्ल्ड के अंदर दैट इज वीटो पावर द द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर ए पीरियड ऑफ इयर्स इनका दो साल के बाद क्या होता है कि नेक्स्ट मेंबर जो है हो जाते हैं और इन, इनके चेंज होते चले जाते हैं डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ द जनरल असेंबली अब हम बात कर रहे हैं जनरल असेंबली की तो जनरल असेंबली इज लेजिस्लेटिव ऑर्गेन ऑफ दू एन एंड इस uh, uh, ये कंप्राइज करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इट्स मेम्बर्स इसका मतलब क्या है कि जितने यूनाइटेड नेशंस के मेम्बर हैं उन सभी को मौका मिलता है हर दो साल के बाद इसका जो है जनरल असेंबली का मेंबर बनने का तो इन जनरल असेंबली एवरी मेम्बर कैन सेंड ए मैक्सिमम ऑफ फाइव रिप्रेजेंटेटिवज बट ईच कंट्री हैज़ ओनली वन वोट लेकिन आपकी वोट सिर्फ एक ही रहेगी और जनरल असेंबली इलेक्ट्स एंड एक्सपेल्स मेंबर टू एंड फ्रॉम यूएन बाय ए थर्ड मेजोरिटी इसमें जो है टू थर्ड मेजोरिटी से आप किसी को निकाल भी सकते हैं इलेक्ट भी कर सकते हैं जनरल असेंबली जनरली मीट्स इन न्यूयॉर्क फ्रॉम सेप्टेम्बर टू डिसम्बर और ये सेप्टेम्बर से डिसम्बर के बीच में न्यूयॉर्क में मिलते हैं आप चलते हैं क्वेश्चन सिक्स के लिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन अब यूएन के जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है तो देखिए सिंपल सी बात है शांति बनाने की कोशिश करते हैं तो दो नॉट यूज इन दू एन चार्टर हैव इवोल्व ड्यूरिंग द ईयर्स एज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल मेकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इसका सबसे बड़ा क्या है जो मोटिव कि जो कॉन्फ्लिक्ट uh, हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करती है अंडर दिस ऑपरेशन यू एन कंट्रोल्ड फोर्सिस आर सेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन विच हैव बीन ऑर्गेनाइज बाय दैम इसका मतलब क्या है कि इनकी एक आर्मी होती है स्पेशल यानी हर कंट्री से ये आर्मी बोल भी सकते हैं कि हमें चाहिए ताकि हम किसी दूसरी कंट्री में शांति बहाल कर सकें एंड दिस इज़ अ न्यू डिवाइस ऑफ प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी थ्रू विच द न्यू एंड द पावरफुल नेशंस आर एबल टू कंटिन्यू ग्रेटली कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द यूएन एन कॉज ऑफ पीस तो इससे जो है बड़े बड़े देशों को शांति बनाए रखने में दूसरे देशों में हेल्प मिलती है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ़ वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के टू फंक्शंस आपको बताने हैं तो यहां पर फंक्शंस क्या क्या हैं वो तो यहां पर जो फंक्शन में सबसे पहला क्या है? को लेकर काम करता है और दूसरा इट प्रोवाइड्स लोन एंड फाइनेंशियल एड टू देंबर्स फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन भी देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्टूड फॉर्मली ऑन इश्यूज़ रिलेटेड टू डिस हारमामेंट मतलब हथियार हम और नहीं बनाएंगे या बनाने देंगे लाइक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन द मल्टीलिटरल एंड रीजनल फॉर्म यानी हर एंगल से इंडिया ने जो है इस चीज़ को बोला कि नहीं ये और हथियार नहीं बनाने चाहिए नहीं होना चाहिए जैसे इन नाइनटीन सिक्सटी वन इंडिया गोडा रेजोल्यूशन पासड इन द जनरल असेंबली फेवरिंग डिस हारमामेंट इन द वर्ल्ड एंड बैनिंग द टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन अब देखो इन्होंने कहा तो भाई न्यूक्लियर वेपन के ऊपर बैन होना चाहिए और 1963 में इंडिया वेलकम द एग्रीमेंट अमंग द यू एस 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 आर एंड यू के एक्सेप्टिंग बैन ऑन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन सी एंड इन एयर लेकिन 1998 में अड्रेसिंग द यूएन जनरल असेंबली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपील टू द न्यूक्लियर पावर टू एलिमिनेट ऑल न्यूक्लियर वेपन्स बाय 2010 उन्होंने कहा भी 2010 तक कोशिश कीजिए आप जितने भी न्यूक्लियर वेपन है सब खत्म कर देंगे ऑन ट्वेंटी जुलाई 2007 ऑन सेवन इनिशिएटिव यूएसए एंड इंडिया साइन ए ट्रीटी ऑन द रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन्होंने कहा भी हम न्यूक्लियर वेपन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे वट आर द मेन टास्क ऑफ यूनिसेफ अब यूनिसेफ की पूरी टास्क बताने क्या काम करती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड वॉज स्टैब्लिश नाइनटीन फोर्टी सिक्स बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और इसके मेन टास्क क्या हैं टू कलेक्ट इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन एंड टू हेल्प इन दियर डेवलपमेंट वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और दूसरा इसका काम क्या होता है टू एनकरेज एंड द वर्क दैट प्रोमोट चिल्ड्रंस हेल्थ यानी बच्चों के हेल्थ और बेटर लाइफ के बारे में जितनी भी दुनिया के आ, कोने कोने में ऐसी प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं उनकी मदद करना विच यू एन स्पेशल एजेंसी प्रमोट सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट लिस्ट इट्स स्पेशल फंक्शन अब ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है तो द यूनाइट नेशन्स एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशल बॉडी यूनाइटेड नेशंस हुज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रमोट एजुकेशनल नेचुरल साइंस सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल एंड कम्युनिकेशन ये काम सारे के सारे इसने करने हैं यूनेस्को ने और जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म बाई यूनेस्को क्या है लिटरेसी यानि पढ़ाई लिखाई बढ़ाना लोगों के अंदर टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग देना साथ में इंडिपेंडेंट मीडिया हो ये भी होना चाहिए ऑल अक्रॉस द मेम्बर नेशंस सो वट डू यू नो अबाउट स्पेसिफिक अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज ए ऑल द स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन और ये इसकी जो स्थापना हुई थी नाइनटीन नाइनटीन में हुई थी और इसका हैडक्वार्टर कहाँ हैं चिनीवा में स्विटरलैंड में इसके मेन एम क्या है टू प्रमोट एफिशेंट कंडीशन ऑफ सोशल जस्टिस और वर्क फॉर वर्कर्स थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एट द ग्लोबल लेवल के देखो ग्लोबल लेवल पे एक इंटरनेशनल जो वर्कर का एक स्टैंडर्ड होता है काम करने का वो कम से कम बना रहे और साथ में देयर इज़ इंसेंटिव फॉर वूमेन एंड मेल वर्कर टू इंगेज इन प्रोडक्टिव वर्क और साथ में इनके लिए सेफ्टी और पैरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशंस होनी चाहिए ताकि ये लोग जो हैं जहाँ भी काम करें खुशी खुशी काम करें और परेशानी में हो रह कर काम ना करें अब कौन कौन सी डिफरेंट स्पेशलाइज एजेंसी यू एन की अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन ऑफ पीस यू एन हैज़ बीन टेकिंग इंटरेस्ट इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशंस और हेंस सम स्पेशलाइज एजेंसीज की जो हैं उसमें जो कोऑपरेशन और डेवलपमेंट एक्टिविटी में हेल्प करती हैं वो आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है एफ भी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे यूनाइटेड नेशनस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आई एम एफ इंटरनेशनल फंड ऑन वट बेसिस डस इंडिया क्लेम इट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल अब वो सभी बातें बताएंगे जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इंडिया जो है अपनी सीट डिजर्व करता है सिक्योरिटी काउंसिल में तो इंडिया विशेष टू बी ए परमानेंट मेंबर इन द रिस्ट्रक्चर यू एन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड पहला क्या है इंडिया एक नॉन वायलेंट ट्रेडिशनल इसने किया है जस्टिफाई करती है इसकी परमानेंट कैंडिडेटर के, के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में दूसरा इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड तीसरा इसकी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इसके अलावा इंडिया के बड़े यू एन के बड़े सारे इनिशिएटिव में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है कॉपरेट करा है और इसका जो रूल रोल है यू के पीस कीपिंग एफर्ट में वो भी बहुत बड़ा है और साथ में इसकी जो इकोनॉमिक इमरजेंस है वर्ल्ड के लेवल पे वो भी इसको एक, एक एक्स्ट्रा एज देती है और जस्टिफाई करती है इंडिया के क्लेम को फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इसके अलावा इंडिया हैज़ आल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यानी जो बजट में भी जो है यूएन के उसमें इंडिया पैसा देता ही देता है क्वेश्चन फोटीन देखिए एज डिसाइडेड बाय द मेंबर स्टेट्स इन 2005 थाउजेंड फाइव हाईलाइट एनी फोर स्टेप्स टू मेक द यूनाइटेड नेशंस मोर रिलीवेंट इन द चेंजिंग कंटेक्सट तो यहाँ विद द कंप्लीशन ऑफ सिक्सटी ईयर ऑफ एक्जिस्टेंस द मेंबर्स ऑफ द एन मेट इन टू रिव्यू द सिचुएशन एंड सजेस्टेड सम सिग्निफिकेंट स्टेप्स जो कि यू एन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं सबसे पहले क्या है एक तो पीस बिल्डिंग कमीशन होना चाहिए दूसरा क्या है एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन फ्रॉम अट्रोसिटीज़ अब जैसे किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ऐसी कंडीशन में जो रिस्पॉसिबिलिटी है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की होनी चाहिए कि वो उस देश के नागरिकों का ध्यान रखें इस्टेबलिशमेंट होनी चाहिए ह्यूमन राइट काउंसिल की ऑपरेशनल जो कि सिंस है जून नाइनटीन टू थाउजेंड से और एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और साथ में कंडमनेशन होना चाहिए ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन साथ में डेमोक्रेसी फंड भी होना चाहिए और एक एग्रीमेंट हो टू वाइंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल अब देखिए ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसको वाइंड अप किया जाए एक एग्रीमेंट इस पर होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में देखें इट इज हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कंटेंशियस इश्यूज फॉर द यू फॉलोइंग क्वेश्चन अब देखिए फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है जैसे इसमें वट शुड ए पीस बिल्डिंग कमीशन काम क्या है देर आर ए नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे जो है इंटरवीन करे वो तो कैन देअर बी एग्रीमेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म टेरिज्म की क्या डेफिनेशन हो सकती है तो हाउ शल दू एन यूज फंडोट डेमोक्रेसी एंड सो ओन तो कैसे वो डेमोक्रेसी की फंड है? हम बात करते हैं डेमोक्रेसी का एक फंड हो तो वो डेमोक्रेसी का फंड कहाँ प्रमोट यानी किस परपज़ के लिए आप कैसे लगाएंगे उसको तो ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है अब यूनाइटेड नेशंस के कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं तो बीइंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द एम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वो क्या टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट यानी जो इंटरनेशनल लेवल के झगड़े हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट को आप बचाएं उनसे बचें और फैसिलिटेट करें कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स साथ में टू फोस्टर करना यानी डेवलप करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम के लिए इसके अलावा जू के जो अदर ऑब्जेक्टिव हैं इज़ टू बी अ सेंटर फॉर हारमोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस इन अटेनिंग द कॉमन एम्स यानी इसके जो कॉमन एम्स में आता है वो है अटेनिंग यानी क्या चीज़ अटेन करना हारमोनाइज करना एक्शंस ऑफ द नेशंस जो कॉमन एम के लिए उन्होंने करे हैं तो उनको आप एक्सेप्ट भी करो और साथ में अनदर मेन ऑब्जेक्टिव हो गया यूनाइटेड नेशन का इज टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम तो जो कॉमन प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन करने का जो है वो एक अटैम्प्ट होना चाहिए तो ये कुछ एक यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आप इनको एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं इनकी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं सो आई होप सो दिस क्वेश्चन आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा और साथ में इस वीडियो की साथ साथ जो प्ले सेक्शन को उसको भी विजिट जरूर कीजिएगा सो हैव वेरी नाइस डे